अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इम्तियाज है और इस वक्त हम दरियाए चनाब पर हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर मौजूद हैं, जहां भारत से छोड़े जाने पानी के बाद यहां पे सैलाबी सूरत हाल है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं पानी की जो सतह है वो रोज बरोज बढ़ रही है और आज पानी की मकदार में इजाफा हुआ है। आप ये सामने देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों के अंदर ये जो जरई इलाके थे जहां पर काश्तकारी होती थी, यहाँ पे सैलाबी पानी अब इन रकबों पे आहिस्ता आहिस्ता दाखिल हो रहा है। अगर हिफाजती इकदामात की बात की जाए तो यकीनन बेहतरीन इंतजामात हैं किसी भी हंगामी सूरतेहाल से निमटने के लिए। हमारी बात हुई है, यहाँ पे मुख्तलिफ एनजीओज ने अपने फ्लड कैंप्स कायम किए हुए, फ्लड नहीं है लेकिन इब्तदाई तौर के ऊपर पानी की सतह बुलंद हो रही है। और इस वक्त ये जो आप जगह देख रहे हैं ये हेड मोहम्मद वाला का वो पुल है, उस पुल के नीचे हम मौजूद हैं और ये जो कश्ती है ये किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए है। हमारी यहाँ पे मुतलका जो इंचार्ज हैं मुइन साहब, उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है कि अभी तक उनके पास एमरजेंसी से रिलेटेड कोई भी इस तरह की इतला नहीं है। उन्होंने कहा हम 24 घंटे यहाँ पे अवेलेबल है, अगर कोई भी इतला आएगी तो हम 1 मिनट का वेट किए बगैर उस एमरजेंसी को रिस्पॉन्स करेंगे। इम्तियाज हुसैन, दरियाए चनाब, मुल्तान।